तो अभी जो मैं जो कर रहा हूँ वो कोई सुप्रीम सॉल्यूशन तो नहीं है, लेकिन अगर ये दो चीजें आपके इमेज में है तो दिस वुड वर्क वेरी नाइस। अगर ये तुम्हारी इमेज है, अगर इमेज में कोई कोई स्पेसिफिक कलर का बैकग्राउंड है, जस्ट व्हाइट, जस्ट ब्लैक, जस्ट ऐसा कुछ कलर का बैकग्राउंड है। सेकेंड पॉइंट कि अगर वो उसमें एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट दिख रहा है, जैसे किसी का मैंने आज जो अलाइनमेंट लिया है कर दिया। ये जो है ना इसका थ्रेशोल्ड कर दिया तो क्या चीज, बैकग्राउंड व्हाइट हो गया कि बैकग्राउंड ब्लैक ब्लैक कर दिया और व्हाइट। अब उसमें मार्क्स, अब जैसे अगर मैं इसके कंटूर बनाऊंगा तो इसमें आयरन मैन में बहुत सारे मार्क्स हैं, है ना, अंदर उसके इंटरनल बहुत सारे, फीचर्स हैं। तो बहुत सारे उसके कंटूर बने। तो मैंने एक फंक्शन यूज करी थी जो मैंने पढ़ा था, सबसे ज्यादा एरिया निकालने के लिए, सबसे ज्यादा एरिया वाला कंटूर होगा, दैट वुड बी द मेन सब्जेक्ट। ठीक है, तो ये करना। तो मैंने सबका एरिया निकाल दिया एक एक करके, सारे पॉइंट, सारे कंटूर्स का, कंटूर्स का। और अब मुझे सिर्फ वो करना है, क्या बोलते हैं, कंपेयर करना है। कंपेयर ही नहीं कर पा रहा हूँ, कैसे कंपेयर करूँ। और कंपेयर करना है, और कंपेयर करने के बाद वो कंटूर की क्या बोलते हैं, कंटूर को ड्रॉ करना है उस इमेज में। और उसके बाद मतलब मुझे पता चल चुका है कि ये आयरन मैन है। तो इसके आगे दो चीजें, सब्जेक्ट और पीछे बैकग्राउंड हो, वो एक स्पेसिफिक कलर का। या फिर ये भी कर सकते हो, अगर 70% ब्लैक है, 30% व्हाइट है, तो ब्लैक को कंसिडर करके कर सकते हैं। लेकिन मैंने जो किया था सिर्फ प्लेन बैकग्राउंड व्हाइट था और उसके ऊपर आयरन मैन ड्रॉ था। तो मेरी तो ये प्लेन बैकग्राउंड, इस प्लेन बैकग्राउंड इज कंप्लीटली वाइट, तो वाइट को निकाल दे तू जो बचेगा वो। वो तो मैं कर सकता हूँ ना, वो भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं बस अपना कर दिया, मेरे पास पहले से प्रोग्राम रेडी था, कॉपी करके जल्दी से कर दिया मैंने। तो ये था मेरा।